लेकिन आप अप्लाई करके देख सकते हैं कि ये आपका जो है किस तरह से दिखेगा। अब आपको इसको अगर चेंज करना है तो आप फिर से सिलेक्ट पिक्चर पर जाकर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए, आप करना चाहते हो कि थोड़ा सा बड़ा, बड़ी या छोटी होनी चाहिए पिक्चर, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से स्केल से इस पिक्चर की साइज अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। जैसे कि हमने 100% कर दी, देखिए छोटी हुई। अब आपको थोड़ा सा और बढ़ाना है तो आप यहाँ पर कर देंगे 500% कर देते हैं, हम अप्लाई कर देते हैं, देखिए इतनी ज्यादा बड़ी हो गई। और अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल रहे तो आप क्या करेंगे, ऑटो पर क्लिक कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, ये इस तरह से रहेगी। वॉश आउट है साइड में ऑप्शन, अगर आप इस पे से क्लिक हटा देते हैं और अप्लाई करते हैं तो आपकी जो पिक्चर थी जो आपने वॉटर मार्क दी में दी है वो कैसी हो जाएगी, डार्क हो जाएगी। अगर जैसे कोई बहुत लाइट पिक्चर है, आप उसको बहुत ही कम दिख रही है, तो आप वॉश आउट पे से क्लिक हटा दीजिए और अप्लाई कर दीजिए, अगर क्लिक रहेगा तो वो लाइट रहेगी। ठीक है, इसी तरह से टेक्स्ट वाटर मार्क देना है आपको, तो आप यहाँ से टेक्स्ट वाटर मार्क ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। किस लैंग्वेज में आपको रखना है, मतलब यहाँ पर टेक्स्ट का मतलब क्या है, कोई कुछ लिखना चाहते हो आप, तो यहाँ से टेक्स्ट वाटर मार्क सेलेक्ट करोगे। लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आप यहाँ पर लिखना चाहते हो टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या लिखना चाहते हो, अभी यहाँ पर हर कुछ लिखा हुआ है, हमारी संस्था का नाम लिखना चाहते हो। ठीक है, इसके बाद फॉन्ट आप क्या रखना चाहते हो इसमें, जैसे कि अभी फॉन्ट लिखा हुआ आ रहा है कैलिबरी, अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हो। साइज, अभी अपन साइज देखिए, पहले अपन अप्लाई कर देते, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से जाएगा। अगर आपको देखना है, ठीक है, अब अगर आपको इसमें कोई एडिटिंग करनी है, मतलब इसका कलर वगैरह चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, फिर से आप उसी ऑप्शन पर जाओगे, कस्टम बटन मार्क पर यहाँ पर सिलेक्ट है। आप चाहते हैं इसका कलर चेंज हो जाए, तो आप यहाँ से कलर ऑप्शन के सामने ड्रॉप डाउन एरो दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे, जो भी आपको कलर रखना है उसको सिलेक्ट करके आप अप्लाई कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर ये कलर आ गया, जो भी आपको कलर देना आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं अप्लाई करके। ठीक है, इसके बाद अगर आप साइज इसकी कम ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, जैसे अपन अभी पिक्चर की कर रहे थे, तो कैसी करनी है, जैसे हमने यहाँ पर 120 सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से हमने इसको अप्लाई कर दिया, तो आप ये देखिए इस तरह से इसका जो साइज है वो बड़ा हो गया। आप और अदर साइज, जैसे हमने 105 कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो इस तरह से हो गया। अगर आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे, ऑटो, ऑटो यानी कि ऑटोमेटिक, ये जितना पेज रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाती है, मतलब आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया है डायगोनल और हॉरिजेंटल, तो अगर आप डायगोनल पर क्लिक है तो आपका जो टेक्स्ट है वो इस तरह से आएगा, अगर आप हॉरिजेंटल पर क्लिक करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपका जो टेक्स्ट है वो इस तरह से हॉरिजेंटली आएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा डार्क आना चाहिए, जैसे कि यहाँ से पहले वाला जो कलर सिलेक्ट था वो बहुत ज्यादा लाइट था, आप चाहते हैं थोड़ा सा डार्क हो जाए, तो जैसे अपन ने वॉश आउट पर से क्लिक हटाया था तो क्या हुआ था, डार्क हो गया था, इसी तरह से सेमी ट्रांसपेरेंट पे से आप क्लिक हटा देंगे, अप्लाई कर देंगे, तो ये जो भी टेक्स्ट है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। या फिर आपने कोई सा कलर, जैसे अभी हम इस पे क्लिक रहने देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, आपने कोई ऐसा कलर लिया, कोई सा भी आप कलर लेंगे, अगर आप इस पे से क्लिक हटाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ये डार्क हो जाता है, लेकिन जो वाटर मार्क होते हैं वो लाइट ही होते हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही कम दिख रहा है कोई सा टेक्स्ट, तब आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, अब बताइए कुछ पूछना है। अगर आपका वाटर मार्क आप एक पेज पर दोगे सभी पर आएगा, अगर आपको रिमूव करना है तो वाटर मार्क ऑप्शन पर जाओगे, रिमूव वाटर मार्क ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे, तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, पेज कलर ऑप्शन से आप पेज के अंदर कलर कर सकते हो, बताया था ना, क्योंकि पेज में आप एक जो भी कलर करना चाहते हो कर सकते हो, कलर में आपको कोई इफेक्ट वगैरह देना है तो आप यहाँ से वो दे सकते हो इस तरह से, लेकिन ये प्रिंट में नहीं आता है। ठीक है, अब हम एक्शन बता दें, अभी ठीक है, तो कल हमने एक्सेल ओपन करना बता ही दिया था। ठीक है, अगर आपको ये डेस्कटॉप पर नहीं मिलता है तो फिर आप क्या करोगे, स्टार्ट बटन पर जाओगे, यहाँ से आप सर्च करोगे, क्या सर्च करोगे, एक्सेल, एमएस नहीं, अगर आप एमएस सर्च करोगे तो नहीं आएगा, वैसे तो उसका नाम एमएस एक्सेल 2013 है।
नहीं, हाँ डेस्कटॉप पर से आप खोल सकते हो, जैसे कि अगर डेस्कटॉप पर है, यहाँ पर डेस्कटॉप पर है, ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर? अच्छा, आप यहाँ से ई दबाओगे, पहले अपन यहाँ से एक कोई सा भी सिलेक्ट रहने देंगे, जैसे कि हमारा ये सिलेक्ट है, हमें खोलना है एक्सेल, तो आप अगर यहाँ से ई दबाओगे तो ई से इसका नाम स्टार्ट होता है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, और आप एंटर दबा दोगे तो ये खुल जाएगा, इस तरह से खोल सकते हो, ठीक है? तो आप जब भी एक्सेल की विंडो खोलोगे आपके सामने इस तरह से आ जाएगी, ठीक है? अब अपन ने बट में भी देखा था, रिसेंट में क्या आता है, जो भी आपने कभी अभी कुछ टाइम पहले खोला होगा, ठीक है? लेकिन आप देख रहे हैं कि ये वाली जो है फाइल, वो अपन को अलग से दिख रही है, और बाकी सब नॉर्मली दिख रही है जैसे सभी है, और ये इसमें क्या है कि इसके नीचे लाइन भी आ रही है, और साइड में आपको ये ऑप्शन भी दिख रहा है, ये ऑप्शन रहता है पिन का। पिन का मतलब रहता है कि हम ये चाहते हैं कि जब भी हम एक्सेल ओपन करें, ये वाली फाइल हमें हमेशा ऊपर मिलनी चाहिए, भले ही आपने कोई सी भी खोली हो या बंद की हो या कुछ भी किया हो, वो सभी नीचे आए, और सबसे ऊपर कौन सी आनी चाहिए, ये वाली। आप ऐसे मोबाइल में आपके कॉन्टेक्ट रहते हैं, एक दो कॉन्टेक्ट आप ऊपर पिन करके रख ले, तो ताकि हमें जरूरत पड़े तुरंत हम उनको कॉल कर सके। इसी तरह से आप यहाँ पर पिन करके रख सकते हो। कैसे रखते हैं ये साइड में, यहाँ पर जिस भी आप फाइल को पिन करना चाहते हैं, क्या करेंगे, माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, साइड में ये ऑप्शन आ रहा, इस पर जाकर क्लिक कर देंगे, लिखा आ रहा है पिन दिस आइटम टू द लिस्ट, इस पर आप क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए यहाँ पर ये दोनों पिन हो गई है, पहले जो पिन करी थी वो ऊपर आएगी, बाद में जो की थी वो नीचे आएगी, ठीक। हटाना है तो आप इसी ऑप्शन पर जाइए, लिखा हुआ रहा अनपिन दिस आइटम फ्रॉम द लिस्ट, इस पर, इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो ये अनपिन, ठीक है। टेम्पलेट्स, आपको यहाँ पर अलग अलग टेम्पलेट्स दिए हैं, आपको जिस भी टाइप का डाटा बनाना चाहते हैं उस टाइप का आप टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी हम यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक सिलेक्ट कर रहे हैं, अब कल हमने आपको बताया था, बताइए इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब जैसे कि एमएस वर्ड में जो रहता है उसे तो हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं, यहाँ पर पेज बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, वर्कबुक। सही होता है, अगर एक्सेल की पूरी जो, जैसे कि एमएस वर्ड में यहाँ पर क्या लिखा हुआ दिखता है आपको, डॉक्यूमेंट, और एक्सेल में यहाँ पर हमेशा आपको बुक लिखा हुआ दिखेगा, अगर आप इसको किसी नाम से सेव नहीं करोगे, तो इसकी जो पूरी फाइल होती है उसको अपन बोलते हैं वर्क बुक, ठीक है। और इसकी सिर्फ एक सीट होती है, ये इस तरह से सीट होती है, इसको वर्क सीट या फिर सीट बोलते हैं, ठीक है। तो कल हमने आपको बताया था ये, इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार, और ये वाली कस्टमाइज फिर इसके बाद यहाँ मेन्यू बार, और ये सब क्या होते हैं, तो जैसे कि ये है, हमने रिव्यू पर क्लिक किया, इसको क्या बोलेंगे, रिव्यू टैब, ठीक है। इसके नीचे ये जो ऑप्शंस आते हैं, इसको रिबन बार पूरा बोला कर, और यहाँ पर ये जो है इसको क्या बोलते हैं, ये एक न्यू चीज़ है, और ये अपनी सीट है, शीट है, ठीक है। ये अपनी स्टेटस बार, यहाँ पर जैसे कि आपको जूम इन जूम आउट करना है, ये अपन आगे सीखेंगे, ठीक है। और ये अब इसके बाद देखिए, अपन जैसे कि अपन ने एमएस पैड में होम से स्टार्ट किया था, इसमें भी अपन होम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें हमने कल आपको बताया था, यदि आपको देखना है कि हमारे सामने ये जो सीट है इसमें टोटल कितने रो और कॉलम है, वो आप कैसे चेक करेंगे इस पे, ठीक है, क्लिक क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, क्लिक को होल्ड करके रखेंगे तो ये आपको दिख जाएगा, जिसमें आर लिखा हुआ है वो रो की संख्या है, टोटल रो की संख्या है, और जो सी लिखा हुआ है वो टोटल कॉलम की संख्या है, ठीक है। ये आपको याद करना है कि एमएस एक्सेल में टोटल कितनी रो और कॉलम होते हैं, ठीक है, एक सीट में टोटल रो और कॉलम कितने होते हैं। अगर ये आपको इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर अपन इसको अभी हम छोटा कर देते हैं, अभी अगर ये आपको आधा दिख रहा है तो आप क्या करोगे, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसके साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाओ, माउस पॉइंटर चेंज हो गया, क्लिक करके थोड़ा सा बड़ा कर, ठीक है, तो ये पूरा दिखने लगेगा, ठीक है। अब ये जो ऊपर ये खड़े में होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं अपन, और ये जो तिरछे में होते हैं इन्हें रो, और एक कॉलम और एक रो से मिलकर क्या बनता है, और हर एक सेल का एक एड्रेस होता है, ठीक है।